स्टोरी विथ अरुण पर आज की उपन्यास ट्रिक। आदरणीय श्रोता नमस्कार, अभी आप लोग सुन रहे हैं यूट्यूब का स्टोरी विथ अरुण चैनल और मैं हूं आप सभी का हर पल का आरजे दोस्त अरुण गिरी। उपस्थित हूं एक बार फिर से एक नए धमाकेदार उपन्यास के साथ। आज से आप लोग इस चैनल पर एक बहुत ही रोमांच और एक्शन थ्रिल से भरपूर नॉवेल सुनेंगे जिसका नाम है ट्रिक। इसी नॉवेल को धारावाहिक रूप में आज से आप लोग मेरे इसी चैनल पर सुन सकेंगे। जो भी फ्रेंड्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा देर नहीं करते और स्टोरी विथ अरुण पर आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन से भरपूर उपन्यास ट्रिक। सुनिए इसी नॉवेल की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड आरजे अरुण के साथ। स्टोरी विथ अरुण के सभी दर्शकों, श्रोताओं, सब्सक्राइबर्स और लिसनर्स में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और विद्या हमेशा बनी रहे, माँ सरस्वती से मेरी यही प्रार्थना। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू डियर लिसनर्स। ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का ख्याति प्राप्त जासूस जेम्स बॉन्ड अपने किस्म के सेक्स के लिए कुख्यात है। कहा जाता है बॉन्ड एक सफल अश्वारोही की तरह औरत को काबू में लाने के सैकड़ों क्या हजारों हथकंडे जानता है। जहां सैकड़ों हजारों औरतें इसके नाम से भयभीत हो उठती है, वहां ही ऐसी भी औरतों का क्यों कोई कमी नहीं जो इसके नाम की माला जपती है, याद आ जाने पर करवटें बदलती है और अपने गॉड से मनाती है कि कभी उनका भी सामना जेम्स बॉन्ड से हो, बॉन्ड उन्हें अपनाए। पिछले दिनों बॉन्ड जब जिब्राल्टर के प्रेत कांड का सफाया करके स्वदेश वापस आया तो ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के समस्त कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर बॉन्ड की पूरी पूरी प्रशंसा की। स्वयं एम ने बॉन्ड के कंधे थपथपाए और पिता तुल्य ने प्यार देकर बॉन्ड के हौसले बढ़ाए। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे लंदन के जेनबरा हॉल में रखा गया था और इसमें सीक्रेट सर्विस तथा पुलिस के ही खास लोग आमंत्रित थे। आमंत्रित गणों की पुत्रियां तथा पत्नियां भी खास तौर पर ही आई हुई थी। कार्यक्रम खत्म हुआ करीब 7 बजे। अब तक बाहर रात का गहरा अंधेरा घिराया था और मौसम खराब होने की सूचना अभी अभी आकाश में बिजली चमक कर मिल चुकी थी। लगता था बर्फीली आंधी आएगी, हवा का रुख तेज हो गया था। कार्यक्रम खत्म होते ही तमाम लोग अपनी अपनी कारों की तरफ बढ़ गए थे। कुछ ही देर में वहां मैदान साफ था। बॉन्ड एम की सेक्रेटरी से उलझा हुआ था। वो पूछ रही थी, बॉन्ड जिब्राल्टर का प्रेत था कैसा? बॉन्ड को शराब में डूबी उसकी आंखें प्यारी लग रही थी, लगने की वजह भी थी। असल में आज उसने कुछ अधिक ही पी ली थी, वरना ये भी अच्छे से जानती है कि बॉन्ड के मुंह लगना अपनी कयामत बुलाना है। आखिरकार बॉन्ड कहाँ मानने वाला था, मौका पाते ही उसने दाव फिट कर दिया। जिब्राल्टर का प्रेत बेहद रोमांटिक और मासूम था। व्हाट? वो बुरी तरह चौंकी। यस, शायद तुम विश्वास ना करो, जब वो एक रात मुझसे टकराया तो उसने अपनी पहली इच्छा जानती हो क्या व्यक्त की थी? क्या? आंखें फैलाकर उस सेक्रेटरी ने पूछा। उसकी पहली ख्वाहिश थी कि मैं एक रात उसके साथ बिताऊं। सिली, सेक्रेटरी ने बफार कर कहा, तुम मुझे क्या बच्ची समझते हो मिस्टर बॉन्ड? बॉन्ड हंसा और हंसते हुए बोला, यदि बच्ची समझता होता
तो कदापि ऐसी बात ना करता। वाला किसी बच्ची से ऐसी बात करने से क्या फायदा। यकायक वॉन को याद आया कि सभी जा चुके हैं और वो दोनों शराब की पिनक में अभी तक खड़े हैं। सिक्रेटी मिस रूबी भी तभी चौंकी। ओह माय गॉड, उसने साथ ही घड़ी देखी और दरवाजे की तरफ भाग खड़ी हुई। बॉन्ड ने बल्कि उसे रुकने के लिए आवाज भी दी, लेकिन वो रुकी नहीं। हाँ, हॉल के प्रमुख द्वार से बाहर निकलने के पूर्व उसने बॉन्ड को हाथ हिलाकर विदा मांगी। बॉन्ड मुस्कुराकर उस ओर देखता रहा और दरवाजे की ओर चला। चलते वक्त वो सोच रहा था, संभवतः वो इस हॉल से बाहर निकलने वाला लास्ट मैन था। अभी वो दरवाजे पर आ ही सका था कि हवा का तेज झोंका सीधी उसके मुंह पर धूल धक्कड़ छोड़ गया। उसे बचने के लिए उसने अपना मुंह हथेलियों में छुपा लिया और साथ ही मुंह भी फिरा लिया। तभी आकाश में बिजली कड़की। बॉन्ड ने पलट कर देखा, काले स्याह आकाश में बिजली की नीली चमक सारे वातावरण को एक रहस्यमय पर्थ से जैसे ढंक गई। और ऐसे ही रहस्यमय वातावरण में कंपाउंड से घने दरख्तों से नीचे किसी कार की घरघराहट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। बॉन्ड ने घरघराहट की दिशा में देखा, लेकिन घने अंधेरे के कारण वो देख नहीं सका। इंसानी फर्ज के नाते वो अपनी कार की तरफ जाकर घने दरख्तों की छांव की ओर तेज कदमों से दौड़ गया। तभी आकाश में एक बार फिर बिजली चमकी और करीबी वातावरण को रहस्यमय बना गई। साथ ही पानी की तेज बौछारों ने उसे दौड़ने के लिए विवश कर दिया। गेट से घने दरख्तों की छांव करीब 100 फीट दूर अवश्य थी। रास्ता आधा भी बॉन्ड तय नहीं कर सका था कि उस इमारत का व्यवस्थापक चीखा, सर प्लीज स्टॉप, सर प्लीज स्टॉप। उसकी आवाज में भय था। बॉन्ड के कदम रुके। उसने आवाज देते मैनेजर की तरफ देखा। वो हॉल के प्रमुख द्वार पर खड़ा व्यग्रता से एक ही रट लगाए हुए था। सर प्लीज स्टॉप, सर प्लीज स्टॉप। बिजली तभी एक बार फिर चमकी। बिजली की नीली रोशनी में सहसा बॉन्ड की नजर घरघराहट बिखेरती कार की तरफ गई। वहां छरहरे बदन की व्हाइट स्कर्ट में कोई नव युवती थी। उसने भी सिगरेट पीते हुए तभी बॉन्ड की तरफ देखा था। दोनों की नजरें टकराई भी थी। ये सब बल बस दो पल में ही हो गया था। पानी बौछार के साथ ही बरसने लगा था। अभी बॉन्ड कुछ सोच पाता, कह पाता कि मैनेजर उसकी ओर तेज कदमों से भागा। बॉन्ड उसके करीब आने का इंतजार करने लगा। तभी बॉन्ड के कानों में उस नवयुवती की हंसी गूंजी। उसकी हंसी से साफ जाहिर था जैसे उसने व्यक्त किया हो कि कायर, तू क्या आएगा मेरे पास। अभी बॉन्ड उस नवयुवती की तरफ पुनः देख पाता कि मैनेजर करीब आकर बोला, सर आपको फौरन वापस होना है। क्यों? इसका जवाब मैं यहां नहीं दे सकता। क्यों? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, प्लीज आप फौरन ही वापस हो जाए और किसी प्रकार का जवाब तलब ना करें। बॉन्ड को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और आश्चर्य भी हो रहा था कि आखिर, लेकिन मैनेजर, सर आप पछताएंगे मिस्टर, उस नवयुवती की आवाज गूंजी। मैनेजर कांप सा उठा। आकाश में नीली रोशनी बिखेरती बिजली कौन थी। मैनेजर का चेहरा सफेद सा पड़ गया और वो अवभक्ति से भागकर उस इमारत के प्रमुख द्वार से भीतर चला गया। जाते वक्त उसने दरवाजा भी बंद कर लिया। कुछ भी समझ में ना आ रहा था मैनेजर। उस नवयुवती की आवाज ने बॉन्ड का ध्यान फिर आकृष्ट किया। मिस्टर, लड़खड़ाती नजरों से बॉन्ड ने उसकी ओर देखा, साथ ही उसके मुंह से निकला भी यस। बॉन्ड वहां अंधेरे में सिर्फ एक काला साया देख रहा था, चमकता हुआ सिगरेट का गुल उसके होठों पर अंगारों की तरह धधक उठता था। सिगरेट का गुल
चिंगारी की तरह नीचे की ओर गिरा। साथ ही उसने कहा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। क्यों नहीं? बॉन्ड आगे बढ़ा। उसकी नजरें इस साये पर, जो यकीनन स्त्री का साया था, पड़ रही थी। वो स्त्री खड़ी थी। अब वो काफी करीब पहुंच गया था। उसका व्हाइट स्कर्ट चमक रहा था। बॉन्ड को याद आया उसकी जेब में जेवी टर्च है। उसने टर्च निकाली और रोशनी उस पर फेंकी। वो एक खूबसूरत नव युवती थी। उसके पतले होठ रसीले थे, नाक नक्स तीखे तथा आंखें चमकीली। छरहरा बदन होने से चाल में अवश्य रवानगी होगी, बॉन्ड ने मन में सोचा। क्या सोच रहे हैं जेंटलमैन? और ये उफ़, रोशनी हटाइए, मेरे चेहरे पर रोशनी मत डालिए। बॉन्ड और आगे बढ़ गया। रोशनी का गुच्छा कार की ओर घूम गया। कोई पुराना मॉडल था। ऐसी हसीन नव युवती और बाबा आदम के जमाने का मॉडल बॉन्ड। बॉन्ड हंसना चाहा। तभी उस युवती ने करीब आते हुए कहा, प्लीज जरा इंजन देखिए। और बॉन्ड खुले हुए इंजन पर झुक गया। फौरन ही खराबी मिल गई, साथ ही उसे शक भी हुआ। लेकिन उसने उस शाम को सब को जब्त किए रखा। एक वायर जो बैटरी से अटैच्ड होता है अलग था, उसे बॉन्ड ने जोड़ दिया। लीजिए मोहतरमा, आपकी गाड़ी अब स्टार्ट कीजिए। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी स्टार्ट करते ही बोली, थैंक यू, रियली आई एम लकी, ऊंची आवाज में बोल रही थी। परंतु उसकी मीठी आवाज इंजन की घबराहट में, घरघराहट में डूब जाती थी। बॉन्ड करीब आ गया। खिड़की पर दोनों कोहनियां टेक कर उसकी तरफ देखा, बोला, एनीथिंग योर, साथ ही होठों में मुस्कुराया। उसने भी प्यारी चितवन से उसकी ओर देखा तथा अपनी सुडोल नासिका पर उंगली फिराकर बोली, शाम से ही मौसम कितना खराब हो गया है, अब रात कैसे कटेगी? बॉन्ड को ऐसे डायलॉग की उसे उम्मीद नहीं थी। उसने खींचते हुए पूछा, व्हाट? वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। गाड़ी के भीतर फैली हल्की रोशनी में उसका सुडोल सुंदर चेहरा और भी आकर्षक लग रहा था। वो देखता ही रह गया। अदा के साथ उसने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखे थे तथा सीट से पीठ टिका रखी थी और देखे जा रही थी बॉन्ड की तरफ। बॉन्ड ने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी। कुछ देर के बाद उसने गहरी मुस्कुराहट के साथ नजरें झुकाई, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली, थैंक यू फॉर दिस ट्रैवल। बस जी नथिंग, साथ ही बॉन्ड ने कंधे उचकाए, आगे बोला, अच्छा मैडम, गुड नाइट एंड गुड बाय। वन थिंग योर, ओ बोली, यस, इफ यू डोंट माइंड। ओफ, बोलिए ना, आप जेम्स बॉन्ड है ना? यदि मैं यस कहूँ तो? तब मैं, शर्माते हुए उसने अपने मुंह में जीभ को घुमाया तथा आगे बोली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप आज की रात क्या कर रहे हैं? आज तो मैं फुली रेस्ट के मूड में हूँ। क्यों? वो हंसती फिर लजाते हुए बोली, कुछ नहीं, यूं ही पूछ रही थी। आज की रात बड़ी ही कातिल है, ठंड कुछ कुछ बढ़ गई है, ऐसे में ये अकेलापन चुभता सा है, न जाने आज की ये सर्द रातें अकेले कैसे कटेगी। आखिर आप चाहती क्या है मोहतरमा? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, कहते हुए वो अपने आप में जैसे सिमट सी गई। उसका ये अंदाज बॉन्ड के दिल को महसूस रहा था। बहुत दिनों बाद उसकी मनपसंद औरत उससे टकराई है। लेकिन ये है कौन? क्या आपका परिचय जान सकता हूं? जरूरी है। क्या परिचय जानना जरूरी है? मुझे परिचय जानने वाले तो एकदम बेगाने तथा स्वार्थी लगते हैं।
चाहत के रास्तों में परिचय बेगानापन आड़े आता है। बॉन्ड ने कंधे उचकाए, साथ ही लाकेली की धुन बजाकर नेवर माइंड की बात जाहिर करो। क्या बिना परिचय के हम एक दूसरे को ऑपरेट नहीं कर सकते? एज यू लाइक, वो हंसती। पानी की बौछारें अब और तेज हो गई थी तथा घनी छाया के नीचे होते हुए भी बॉन्ड पर टपाटप शुरू हो गई थी। इंजन अब भी घरघरा कर शोर कर रहा था। मैंने तो सुना था बॉन्ड बड़ा ही दिल फेंक आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कैसे? वो तो आंख का इशारा भी नहीं समझता। घबराता है कि नहीं? सामने बैठी ताजनीन मेरी किसी ऑफिसर को ऐसा नहीं है। उसके ऐसा कहते ही बॉन्ड के दिमाग में घंटिया सी बज उठी। तो फिर ये यहां कैसे आई? आज की इस पार्टी में तो केवल आला अफसर और उनकी फैमिलीज ही आई थी। क्या सोचने लगे तू? सोच रहा हूं आज का रात का रेस्ट आपके साथ ही लिया जाए। वेलकम। और उसने अपनी लंबी कलात्मक उंगलियों वाला हाथ बढ़ाकर कार का दरवाजा खोल दिया। बॉन्ड ने पल भर के लिए कुछ सोचा, तभी उसके मार्क किया वो नवयुवती बॉन्ड को भाप रही थी। बॉन्ड ने मुस्कुराते हुए बात आगे बढ़ाई, कहाँ ले चलोगी? जन्नत में। जन्नत? यस, कभी मैंने सोचा था कि उसने बात अधूरी छोड़ दी तथा आगे बोली, वो मैनेजर क्या कह रहा था? क्या कुछ मेरे बारे में? ओह मैनेजर नहीं, तुम्हारे बारे में नहीं। उसने कार की गति बढ़ाई और तेज गति से उस आलीशान इमारत की डेनवरा के विशाल गेट से बाहर निकल गई। अब पानी झमाझम बरस रहा था। तारकोल की सड़क पर स्ट्रीम लाइट धूमिल होकर फैली हुई थी। ढलान होने से उसने कार का इंजन बंद कर दिया था। गाड़ी तेजी के साथ लुढ़क रही थी। बॉन्ड ने डेनवरा इमारत की ओर निर्देश से ही देखा। प्रतीत हुआ इमारत के भीतर तूफान घुस गया है और उस इमारत को कागज के खोखे की तरह हिला रहा है। इमारत के भीतर की तमाम रोशनियां जैसे नाच रही थी। एक बार फिर बॉन्ड का दिमाग गड़बड़ा सा गया। उसकी आंखों के आगे मैनेजर का चेहरा घूम गया। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा था कि आप कुछ बोलेंगे नहीं? बॉन्ड कयामत ढाने वाली हसीना की तरफ एक बार फिर देखा और भूल गया कि सभी कुछ। सचमुच वो थी इस कदर हसीन। ये सच है, कुछ सूरतें होती ही ऐसी जिन्हें देखकर सभी कुछ कुर्बान कर देने में भी हिचक महसूस नहीं होती। कार चलाते हुए उसने अपना एक हाथ बॉन्ड के कंधे पर रखा। ये स्पर्श बॉन्ड के दिल के तारों को जैसे झंझना गया। बॉन्ड ने उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर चूम लिया। उस हसीना की नासिका थोड़ी सी फूली और फिर सिडूक गई। वासना उभरने का यही भी ये भी एक प्रतीक है। वो कुछ बॉन्ड की तरफ झुकी और बॉन्ड ने उसके गाल पर अपने चुंबन की सील लगा दी। सिसकार उठी वो। बॉन्ड को भी लगा जैसे उसका दिखलाई देता फूल सा सुंदर मुलायम गाल पत्थर का बना हुआ हो। गाड़ी तीर की सी गति से भाग रही थी। बरसात उसी तरह पड़ रही थी। एकाएक बिजली चमकी, उसकी नीली रोशनी में उस हसीना का चेहरा भी नीला हो गया। उसकी फैली हुई आंखों को देखकर बॉन्ड ने पूछा, व्हाट हैन डार्लिंग? नथिंग, वो मुस्कुराई। मुस्कुराते हुए उसने कार की गति कुछ और बढ़ा दी। कार की गति इस कदर तेज थी कि बाहर के दृश्य केवल एक अंधेरी चादर के रूप में दिखलाई दे रहे थे। लहराती हुई कार ने जाने कितने मोड़ काटे, कितना लंबा रास्ता पार किया। जेम्स बॉन्ड को कुछ भी पता नहीं। एकाएक कार रुकी। कार का दरवाजा खोलने के पूर्व उसने बॉन्ड की ओर भर नजर देखा।
मुस्कुराई, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए बोली, ओ वेलकम। बॉन्ड उसके पीछे उतरा। चारों तरफ अंधेरा, झाड़ियाँ, झखाड़ियाँ, वीराना। अभी वो कुछ कह पाता कि वहीं बोली, इन झाड़ियों के पीछे मेरा मकान है, आइए। कहते हुए वो चल दी। बॉन्ड चाहकर भी कुछ न कह सका। उसके पीछे चलते हुए वो इस वक्त दहशत सी अनुभव कर रहा था। उसके पैर कहीं के कहीं पड़ रहे थे, परंतु हसीना ऐसे चल रही थी जैसे उसकी आंखों में हजार हजार वाट के बल्ब जल रहे हो। बॉन्ड ने एक दो बार उसके पीछे चलते हुए उसे पुकार कर कुछ कहना चाहा, लेकिन कह नहीं सका। एक खंडहर नजर आते ही वो बोली, ओ रहा मेरा मकान। बॉन्ड के भीतर दहशत सी भरती चली गई। खंडहर देकर अस्पष्ट था कि यहाँ कोई शरीफ आदमी रहने से रहा। वो वास्तव में आलिशान हवेलीनुमा मकान था। उसका बहुत सा भाग गिर चुका था। हवेली के ठीक सामने एक विशाल गेट था जो थोड़ा सा खुला था। उसी में से उसने प्रवेश करते हुए कहा, वेलकम। हवेली में अंधेरा था, घना अंधेरा। ऊपर से पड़ी बारिश ने यहाँ का जर्रा जर्रा धो दिया था। हवा का रुख ज्यों का त्यों था। हाँ, पानी गिरना अब बंद हो चुका था। जेम्स बॉन्ड भी उसके पीछे उस खंडहर नुमा इमारत में दाखिल हो गया। हवेली के सामने की प्रमुख लॉन पानी से तर थी और उस पर पड़ा कूड़ा करकट बुरी तरह भीगा हुआ था। लॉन से लगा दरवाजा था खुला हुआ। वो वहां खड़ी होकर बॉन्ड की तरफ देखी। तभी बॉन्ड ने टॉर्च की रोशनी की। घबराइएगा नहीं, भीतर एकदम फर्स्ट क्लास है। बॉन्ड ने मुस्कुरा दिया, लेकिन मुस्कुराहट संदिग्ध दांतों से भरी हुई थी। एक लंबा सा गलियारा सा लांग कर जब ये दोनों आगे बढ़े तो एक जीना जमीन के भीतर उतरा हुआ था। वो जीना उतरने लगी। एक दो घुमाव उतर कर फर्श के तीन ओर तीन दरवाजे नजर आए। एक पर पर्दा झूल रहा था और दूसरी ओर हल्की रोशनी चमक रही थी। अभी वो पर्दा हटाकर बॉन्ड को आमंत्रित कर पाती कि बॉन्ड की नजरों ने देखा, कोई तो भी। पर्दा हटते ही वहां से तेजी के साथ हटा, पर प्रतीत हुआ कोई अप्सरा थी जिसकी मदमस्त आंखों ने बॉन्ड को देखा और दहशत के मारे वो भाग गई थी। लेकिन वो अप्सरा कौन थी ये जेम्स बॉन्ड अभी तक नहीं जान पाया था। ठगा सा खड़ा रह गया बॉन्ड। व्हाट हैं, हसीना ने पूछा, भीतर कोई और भी है? वो मुस्कुराई, बोली, नहीं, क्यों? मुझे ऐसा लगा, बॉन्ड ने कहा। वो खनखना कर हंसी और भीतर दाखिल हो गई। बॉन्ड की नजरें फटी की फटी रह गई। भीतर का साजो सामान आज से हजार या 2000 पूर्व के बासिंदों की तरह था। नकाशीदार पलंग, पलंग पर बिछावन तथा दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स, एक ओर को जल रही बहुत ही मोटी मोमबत्ती। यहां आते ही उसका दिमाग बुझ सा गया था, जैसे सोचने समझने की शक्ति छीन हो गई थी। वो बॉन्ड की परेशानी पर एक बार फिर खनखनाकर हंसी। उसकी इस हंसी ने बॉन्ड का दिमाग खराब कर दिया। वो गुर्रा कर बोला, योर नेम? एलिजाबेथ। व्हाट? यस, एलिजाबेथ। बॉन्ड घूर कर देखता रहा। कुछ देर बाद बोला, काम? मिस्टर बॉन्ड, जासूसी की आदत हर जगह अच्छी नहीं होती, प्यार के सिलसिले में भी जासूसी तो जायका ही बिगाड़ देती है। सोचो जरा। वो पलंग पर बैठ गई। बैठकर उसने अपने आप को तकिए के सहारे टिकाकर टांगे फैला दी। टांगे फैलाने से स्कर्ट कुछ टंगा सा रह गया। मांसल पिंडोलियों से लेकर जंघाओं तक का भाग चमकता हुआ दिखलाई दिया। बॉन्ड देखकर भीतर ही भीतर मोम की तरह पिघलने लगा।
आंखों की पुतलियां जंघाओं पर जाकर टिक गई। एलिजा ने नजाकत के साथ लंबी आवाज में कहा, ओह बर्ड, कम टू यू मी डियर। उसने दोनों हाथ फैलाए। बॉन्ड आगे बढ़ा, लेकिन आगे बढ़ते हुए उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा वो भीतर ही भीतर छटपटा रहा है। ऐसा तो उसके साथ कभी नहीं हुआ, फिर आज ऐसा क्यों हो रहा था? प्लीज आओ ना बॉन्ड। एलिजा, यस, कुछ पियाओगी नहीं? ओह सिली, मेरे सामने रहते हुए भी तुम्हें पीने की जरूरत होगी? फिर भी मैं तो पूरी तरह नशे में हूं, गाफिल हूं। बॉन्ड सिर्फ उसकी तरफ देख रहा था। चलते हुए उसके मस्तिष्क में मैनेजर की तस्वीर उभर रही थी, उसकी हिदायत गूंज रही थी। उसने भी तो पूछा था कि मैनेजर उसके बारे में क्या कह रहा था। आखिर उसने ऐसा क्यों पूछा था? आखिर वो मैनेजर इसे क्यों रोक रहा था? क्यों इस लड़की के पास या इसके साथ उसे नहीं जाने दे रहा था? आखिर क्यों वो मैनेजर इतनी त्रास और डर में था? उसके चेहरे पर वो खौफ के भाव क्यों थे? इन बातों को लाख सोचने के बावजूद भी जेम्स बॉन्ड समझ नहीं पा रहा था। वो उठी और पर्दा हटाकर दूसरी तरफ चली गई। बॉन्ड ने अपने सिर को एक गहरा झटका दिया और उसके पीछे झपटा। पर्दे को थोड़ा सा हटाकर बॉन्ड ने उस पर अपनी नजरें फिक्स की। वो अलमारी खोलकर शराब की बोतलें निकाल रही थी। अलमारी बाबा आदम के जमाने की थी और ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से उसे खोला ना गया हो। बॉन्ड की नजरें तभी कांप कर रह गई। एलिजा का जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। बॉन्ड को लगा एलिजा हड्डियों का एक पिंजर है और उस पर एस्कॉर्ट आदि के कपड़े जैसे टांग दिए गए हैं। वो घूमी, उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन हिंसक पशु जैसी चमक। हालांकि जेम्स बॉन्ड इस बीच वापस आकर पलंग पर बैठ गया था, लेकिन अब वो डर रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। बॉन्ड ने नजरें उठाकर उस पर्दे की ओर देखा जहां से वो आने वाली थी। बॉन्ड ने देखा हाथ में ट्रे लिए खड़ी एलिजा उसी की ओर देख रही थी। उसकी आंखों की चमक जो हिंसक थी इस वक्त पूरी तरह बॉन्ड पर फिक्स थी। बॉन्ड ने तुरुफ चली, डार्लिंग एलिजा खड़ी क्यों रह गई? तो मिस्टर बॉन्ड, मुझे अविश्वास कतई पसंद नहीं, लेकिन मैनेजर ने तुम पर अविश्वास तो नहीं किया, फिर मेरे पीछे क्यों आए थे? तुम्हारी सुंदरता ही ऐसी है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से ओझल करने में असमर्थ हूं। वो कटाक्षपूर्ण मुस्कुराहट के साथ बोली, रियली? यस, बड़े ही दावे के साथ बोला। उसने ट्रे पलंग पर रखी। ट्रे में आज से हजारों साल पुराने जाम जो स्वर्ण निर्मित थे, शराब का पात्र भी आदिकालीन ही था। शराब काफी पुरानी है। यस, हजारों साल पुरानी। आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आश्चर्य की बात नहीं है। बॉन्ड सिर्फ देख रहा था। वो आगे बोली, मुझे पुराने पल से प्यार है। पुराना दोस्त जितना अजीज है उतने दुश्मन भी। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। किसे? ओ बॉन्ड के सवाल पर सताह ली, संभल कर बोली, पुराने पन को पुराने पन में ठोस पन होता है ना। तुम यहां कब से रह रही हो? एक जमाने से, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि मैंने उस सवाल का जवाब न दिया तो तुम बुरा मान जाओगे, और मैं नहीं चाहती कि आज की रात तुम बुरा मानो। बॉन्ड ने हंसने की कोशिश की, तभी एक कड़कदार हंसी की आवाज गूंजी। बॉन्ड ने उछलकर खड़े होते हुए कड़कदार आवाज में कहा, कौन है? सामने आओ। एलिजा का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों की सुंदरता सूखने लगी, नजरों में कोफ्त
और बढ़ गया। बॉन्ड, लो शराब पियो। अब यहां कोई हंसा, यहां किसी की हंसी गुजी थी। कौन है वो? हाँ, कभी कभी यहां ऐसा होता है। क्यों, क्या पता? तो मुझे वहां आने पर जो ऐसा लगा था कि कोई यहां था, तो क्या वो भी सही था? मेरे कहने का मतलब ये कि यहां क्या ऐसा भी कभी कभी होता है? हाँ। फार्म नंबर 2, बॉन्ड की। फिर तुमने उस वक्त इनकार क्यों किया था? ताकि कहीं तुम डर कर भाग न जाओ। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं। क्यों? बॉन्ड, मैं यहां रहते रहते ऐसी बातों की आदी हो चुकी हूं, और फिर मेरा वक्त आ गया है। मेरा वक्त आ रहा है। कैसा वक्त? लो शराब पियो। कैसा वक्त? बॉन्ड का रुख कुछ सख्त हो उठा। पहले शराब पियो बॉन्ड, मेरी आत्मा की प्यास बुझाओ, फिर बताऊंगी, सभी कुछ बताऊंगी। कहते हुए उसने जेम्स बॉन्ड के मुंह के पास अड़ा दिया। बॉन्ड ने गौर से उसके चेहरे पर नजरें गड़ाते हुए जाम ले लिया। जाम में से शराब की खुशबू अजीबोगरीब थी, गजब की मिठास लिए हुए। वो अधिक देर अपने को नहीं रोक सका। उसने होठों से जाम लगाया और गटागट पी गया। वो शराब हलक में जीव जीव उतरती गई। त्यों त्यों बॉन्ड को लगता गया कि उसके हाथ पांव पूरा जिस्म कागज का होता जा रहा है। वो चाहे तो हवा में उड़ सकता है, चांद और सितारों की सैर कर सकता है, बादलों पर बैठकर मनचाही दिशा में उड़ सकता है। वो आदमी नहीं, पंछी है। पंछी नहीं, एक अजीबोगरीब जंतु है। ये क्या हो रहा है उसे? ये क्या हो रहा है उसे? लेकिन इसके आगे वो नहीं सोच सका। उसकी आंखों के आगे मुस्कुरा रही थी हसीना एलिजाबेथ। बॉन्ड की आंख खुली तो चौंक पड़ा। उसके मुंह से निकला, ओह। इस शब्द को सुनते ही 3-4 नर्सें बॉन्ड की ओर झपट कर आई। उन्होंने जेम्स बॉन्ड को संभाल लिया। पहले तो बॉन्ड को नर्सों द्वारा ऐसा करना अजीब सा लगा, लेकिन फिर उसे इस बात का एहसास हुआ कि यदि उसे संभाला ना जाता तो शायद वो गिर जाता और गिरकर शीशे की तरह टुकड़ों में विभक्त हो जाता। वो लंबा लेट गया, नहीं लिटा दिया गया। तभी एम ने प्रवेश किया। बॉन्ड की पुतलियों पर चिंताग्रस्त परेशान एम की सूरत उभरी। बॉन्ड, माय सन, हाउ आर यू? जेम्स बॉन्ड कुछ देर फटी फटी आंखों से एम की ओर देखता रहा और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। डॉक्टर की आवाज बॉन्ड ने सुनी। मिस्टर एम, अभी आपकी ऐसी कोई बात मिस्टर बॉन्ड से नहीं करनी होगी जो उसके दिमाग पर बोझ बने। ऑल राइट डॉक्टर, सही स्थिति में आते ही मैं आपको फोन कर दूंगा। थैंक यू। और फिर एम के जूतों की दूर जाती ध्वनि जेम्स बॉन्ड सुनता रहा। आखिर वो यहां आया कैसे? उसे हुआ क्या था? हाँ हाँ, जिब्राल्टा का प्रेत, वो उस मिशन पर गया था। वहां उसने सभी कुछ तबाह कर दिया था। वो वहां से अकेला ही स्वदेश के लिए वापस हुआ था। लंदन एयरड्रोम पर उसकी रिसीव करने स्टाफ के सभी लोग आए थे। उनमें सेक्रेटरी मिस रूबी भी थी। फैली फैली आंखों से देखते हुए उसने एकांत पाते ही रूबी को छेड़ा था। मिस रूबी, पूरे स्टाफ को मेरी सफलता पर खुशी है, लेकिन तुम्हें नहीं। कहीं दोस्त भी असफल होते हैं, तुम भी किसी जिंदा प्रेत से कम हो। क्या कभी घोष्ट भी असफल होते हैं, तुम भी किसी जिंदा प्रेत से कम हो? बल्कि जिंदा प्रेत मरे हुए प्रेत की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होता है, खतरनाक होता है। तो मैं खतरनाक हूं, इसमें क्या शक है? तब आपकी रात मैं, यानी कि जिंदा प्रेत तुम्हारे फ्लैट पर आ रहा है, सावधान रहना। दरवाजे और खिड़कियां चाहो तो बंद रखना। नो मिस्टर बॉन्ड, नो,
आई एम सॉरी, नो सॉरी, उसने कहा था और वो आगे बढ़ गया था तेज कदमों से। तभी एक ऑफिसर ने करीब आकर कहा था, मिस्टर बॉन्ड, मिस रूबी आपकी ओर भागी आ रही है। बॉन्ड ने घूमकर रूबी की ओर देखा था। उसके करीब आते ही बॉन्ड ने ऑफिसर से कहा, ऑफिसर, जब ऐसी नाजनी ने बॉन्ड का ईमान खराब करने के लिए पीछे पड़ी रही तब भला बेचारा बॉन्ड का क्या दोष? तो क्या मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूं? ऑफिसर गवाह है, मैं तो सिर्फ इतना कहने के लिए तुम्हारी तरफ तेजी से भागी आई हूं कि यदि तुमने मेरे फ्लैट पर आने की कोशिश की तो मैं मिस्टर एम से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी और एम मेरी शिकायत पर गौर करेंगे ही, क्योंकि माय फादर इज। बॉन्ड ने उसके होठों पर उंगलियां रख दी, साथ ही बोला, आई एम नो योर फादर। बॉन्ड आगे बढ़ गया। ऑफिसर रूबी की सूरत देखता रह गया और जब रूबी कंधा उचकाकर एक ओर को चल दी तो ऑफिसर खिलखिलाकर हंस पड़ा। इस बीच बॉन्ड ने आँख खोल दी थी और वो अपने कमरे के वातावरण को देखकर सुन रहा था। वो यकीनन हॉस्पिटल में था। और फिर धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे कैडनबरा इमारतें की विशेष हॉल में खुफिया विभाग तथा पुलिस के विशिष्ट लोगों का जमघट याद आ गया और फिर एक के बाद एक तमाम बातें याद आती चली गई और एक एक बारगी शराब की वो मीठी खुशबू उसके दिल दिमाग में गमक उठी। एक डॉक्टर ने तभी कमरे में प्रवेश किया। करीब आकर श्रीहृदयता तथा सहानुभूति के साथ उसने पूछा, हेलो बॉन्ड, आप कैसे हो तुम? वेल डॉक्टर, गुड डॉक्टर, यस, मैं यहाँ कैसे आया, आई मीन मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? डॉक्टर मुस्कुराया, बोला, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें पुलिस जीप लेकर आई और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। दूसरी बात मिस्टर बॉन्ड, आपको अपने दिमाग पर अभी अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। क्यों डॉक्टर? मिस्टर बॉन्ड, इसका जवाब अभी तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बाद ही उसने इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगते ही उसे नींद आई और जेम्स बॉन्ड सो गया। हॉस्पिटल के जिस कमरे में जेम्स बॉन्ड लेटा था उसके चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। एक निश्चित डॉक्टर तथा स्टाफ तथा जो मिस्टर बॉन्ड की सेवा में था, स्टाफ के अतिरिक्त एम को छोड़कर किसी का भी प्रवेश निषेध था। हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल के करीब किनारे किनारे लगे दरख्तों के पीछे छुपकर खड़ा एक युवक इस ओर देख रहा था। दूसरा आदमी बाउंड्री वाल के दूसरी ओर खड़ा था। कम ऑन, खड़े खड़े देखने से कुछ भी नहीं होगा, फिर भी मैं चाहता था कि शायद वो दिख जाए। छोड़ो, मुझे शक है कि कहीं तुम पर किसी की नजर ना पड़ जाए। वो बाउंड्री वाल पर से कूद गया। कूद कर दोनों ने रेस लगा दी। हॉस्पिटल के पीछे लगी थी जो एकदम निर्जन थी, इस पतली गली से लगा सरकारी गोदाम था तथा दूसरी तरफ हॉस्पिटल की बाउंड्री वाल। एक के बाद एक दोनों गली से निकलकर सड़क की फुटपाथ पर आ गए। फुटपाथ से लगी एक काली कार खड़ी थी। दोनों कार की तरफ बढ़े और आराम से उसमें बैठकर चल दिए। कार भाग रही थी। कार चलाते हुए उनमें से एक ने कहा, अब आखिर किया क्या जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गोया ये काम हंसी खेल है। बिल्कुल, दोनों के बीच कुछ देर मौन बोलता रहा। कार भागती रही और तभी उनमें से एक चौंक पड़ा, थॉमसन। कार ड्राइव करते थॉमसन ने उस मिरर में देखा जिसमें पीछा करती हसीना नजर आ रही थी। गौर चेहरे पर बड़े बड़े गिलासों वाला चश्मा, सुडोल नासिका और पतले होठ। वो बाकायदा कार का पीछा कर रही थी। ओ विक्टर, क्या इरादे हैं?
चीज़ जोरदार है, क्यों ना थोड़ी सी मोहब्बत की है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, तो ले लूँ अपने एरिए में। विक्टर ने मुस्कुराते हुए मिरर में उसे एक नज़र देखा और तभी थॉमसन ने कार का रुख लंदन की उस घनी बस्ती की ओर मोड़ दिया जहाँ नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर नाम की चीज रही नहीं गई है। कार सरपट भाग रही थी सड़क के दोनों ओर। पहले तो कार मैकेनिकों की दुकानें, फिर घाटियाँ, चाय की दुकानें और फिर कच्ची शराब के भपकों वाला इलाका शुरू हो गया। तभी विक्टर चीखा, अबे रोक। वो कहाँ गई? पीछे ही होगी। ठहर, कार रोक। थॉमसन ने गति कम कर दी। तभी एक अजीबोगरीब वाक्य गुजरा। थॉमसन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे पूरी ताकत से ब्रेक मार देने पड़े। ब्रेक मारते ही विक्टर का सिर सामने स्विच बोर्ड से टकरा गया। अभी वो एक भद्दी सी गाली देना ही चाहता था कि उसके होश जैसे उड़ गए। ठीक गज भर के फासले पर खड़ी थी वो हसीना जो इनकी कार का पीछा कर रही थी। वो अपनी ब्राडन कलर गाड़ी से टिकी पाइप पी रही थी और इस वक्त इन दोनों के सामने थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चश्मे में से झांक रही थी और इन दोनों पर फिक्स थी। उसने अपने दोनों हाथ पीछे की ओर मोड़ रखे थे। सीना उभरा हुआ था। तना हुआ सीना देकर दोनों की तबीयत कुछ खराब हो उठी थी, परंतु उसके तेवर खतरनाक थे। खतरनाक इरादों वाली हसीना कौन है? जहां ये सवाल अहम था, वहीं ये बात भी मध्य नजर नहीं की जा सकती थी कि ये सिर्फ पीछा नहीं करना चाहती थी, कहीं कुछ पाठ पढ़ाने का भी इरादा रखती थी। विक्टर और थॉमसन ने चोरी चोरी एक दूसरे की तरफ देखा। एक दूसरे को उन्होंने भांपा, तब विक्टर उतर कर उसके सामने पहुंचा। अब वो हसीना वो विक्टर को घूर रही थी। मिस, आपने रास्ता क्यों रोक रखा? वो नहीं बोली, सिर्फ देखती रही। हौसला कुछ और बढ़ा विक्टर का। उसने ऊंची आवाज में कहा, मिस मैं आपसे कह रहा हूं रास्ता क्यों रोक रखा है? उसी अदा के साथ पाइप का धुआं उड़ाते हुए उसने उंगली के इशारे से करीब बुलाया। और विक्टर कुछ सिटफिटाया लेकिन आगे बढ़ा और तभी विक्टर के मुंह से एक हल्की चीख फटी। वो गुर्राया और चक्कर खाकर जहां खड़ा था वहीं जमीन पर लंबा हो गया। थॉमसन ने यह सब अपनी आंखों से देखा था कि कैसे विक्टर उसके करीब पहुंचते पहुंचते जमीन पर लंबा हो गया। उसे पसीना छलछला आया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? वो सोच रहा था। हसीना उसी तरह अभी खड़ी थी और अब उसका शिकार थॉमसन था। उसने जब मुस्कुराकर थॉमसन की ओर देखते हुए उंगली का इशारा किया, लेकिन थॉमसन ने इस बीच कुछ और सोच लिया था। कार का इंजन चालू था। उसने पूरी स्पीड पर कार बैक की और सामने खड़ी हसीना को निशाना बनाकर उसने कार छोड़ दी। कार टकराने की इसके पूर्व थॉमसन कार के बाहर था और जब वो धूल झाड़ते खड़ा हुआ तब एक भयंकर एक्सीडेंट गुजर चुका था। इस एक्सीडेंट में वो विक्टर की लाश उसकी कार से बुरी तरह कुचल चुकी थी और सामने खड़ी कार टक्कर से उलटकर फिर सीधी हो गई थी। और जैसे कि थॉमसन को उम्मीद थी कि वो हसीना को उसके किए की सजा मिल चुकी होगी, वैसा कुछ वहाँ दिखलाई नहीं दिया। वो हसीना वहाँ नहीं थी। अभी थॉमसन आशंकाओं से घिरा यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि उसकी पीठ पर एक जोरदार खुद्दा लगा। वो संभाल नहीं सका और बेलाग होकर गिरा। अभी वो उठ भी नहीं पाया था कि हसीना ने इत्मीनान से पाइप पीते हुए कहा, थॉमसन सीधे चलोगे या जोर जबरदस्ती? कहाँ जाना होगा ये मुझे पता है, लेकिन तुम हो कौन और मुझे ले जाने से मतलब? देखो लोग घरों से निकलकर इस ओर को आ रहे हैं, जल्दी चलते हो या तुम्हें भी वो विक्टर के पास पहुंचाओ। थॉमसन ने देखा विक्टर छत बिछावत पड़ा था,
और वो अपनी दुर्गति को कैसे पहुंचा वो समझ भी नहीं सका था। कॉमन वो आगे चली, करीब से गुजरते हुए उसने कहा, मेरी तो आंखें पीछे भी है, धोखा करोगे तो यही मरोगे, कुत्ते की मौत, अंडरस्टैंड। थमसम के पास रिवॉल्वर भी था लेकिन उसका सहारा भी नहीं ले सका। वो ड्राइविंग सीट पर बैठी, थमसन पीछे बैठा और कार फिर चल दी। थमसन की अक्ल खराब थी, इतनी भयंकर टक्कर खाकर भी हसीना की कार ज्यों की त्यों थी, उसी गति से भाग रही थी। कार ड्राइव करते हुए एक बार हसीना ने मुड़कर घटना स्थल पर नजर फेंकी, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। वो मुस्कुरा दी, फिर पलटकर थमसम से उसने कहा, डियर सुल्फा पीते हो? वो चौंका, जी सुल्फा पीते हो? वो कड़ाकर बोली, जी कभी कभी। और हसीना ने सिगरेट केस खोलकर एक सिगरेट उसकी ओर उछाल दी। लाइटर तो तुम्हारे पास होगा ही? उसने केवल देखा, जवाब किसी भी प्रकार का उसने दिया नहीं। वो मुस्कुराती रही और जब थमसम लाइटर निकाल रहा था, गलत, एकदम गलत थमसम, ऐसा इरादा भी मत करना। कोई बात नहीं, रिवॉल्वर निकाल कर मुझे दो। थमसम ने रिवॉल्वर निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया, बाद ही उसने सिगरेट सुलगाई, एक लंबा कस खींचा और कस खींचने के बाद ही वो अपनी जगह बेहोश हो गया। हसीना ने अपने चारों तरफ का वातावरण देखा, वो एक बस्ती के नीचे से गुजर रही थी, रास्ते के दोनों ओर गंदे लोग आ जा रहे थे, मछली और सस्ते प्रकार के गोश्त पकने की खुशबू गमक दूर दूर तक फैली महसूस हो रही थी। उसने गति कुछ और तेज कर दी, देखते ही देखते बस्ती छूट गई और कब्रिस्तान नजर आने लगा। अब उसने कार कब्रिस्तान की ओर जाने वाली कच्ची पगडंडी पर मोड़ दी, काफी आगे जाकर सुनसान इलाके के घने दरख्तों की ओट में उसने कार रोकी। पाइप पीते हुए उसने चारों तरफ दूर दूर तक देखा और फिर थमसम के हाथ पकड़कर उसने उसे कार से बाहर जमीन पर खींच कर डाल दिया। फिर डिक्की खोली, डिक्की खोलकर उसने थमसम को घसीटा और डिक्की में ठूस दिया। ये सब करने में उसे अधिक से अधिक 5 मिनट के समय लगे होंगे। डिक्की बंद करके उसने गहरी सांस ली और ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुना चल दी। कार चलाते हुए जब वो कब्रिस्तान की ओर से वो वापस हो रही थी तो सीरियस थी, तेजी के साथ वो सोच रही थी, जैसे किसी खास मुद्दे पर पहुंचना चाहती थी। उसकी आंखें कंजी थी, चेहरा पतला था और उस पतले चेहरे पर लंबी कुछ उठी हुई नाक उसे कुछ और बदसूरत सा बना रही थी। शरीर से वो लंबा था तथा दुबला होने से और भी लंबा दिखलाई देता था। काले रंग के सूट में कीमती सू चमकाता फर्श पर बिछे गलीचे पर टहल रहा था। वास्तव में वो बेचैन था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कमरे में प्राय सभी साजो सामान मॉडर्न था, लगता था वो धनी व्यक्ति है। वो कमरे से उबकर अपनी दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। वो घूमा और उसने फोन की तरफ देखा, उसकी नजरों में परेशानी झलक रही थी, घंटी बजती ही चली जा रही थी। उसने कुछ दृढ़ निश्चय किया और तेज कदमों से करीब पहुंचकर उसने फोन रिसीवर उठा लिया। हेलो स्पीकिंग, जहां तक मैं समझती हूं तुम रॉबर्ट हो, कौन हो तुम? इट मीन्स इट इज श्योर यू आर रॉबर्ट यू? और उसने फोन पटक दिया। रॉबर्ट की कंजी आंखें गोल गोल घूमने लगी, नथने फड़फड़ाने लगे, साथ ही जबड़ा कुछ भींच सा गया जिससे उसके दांत जो लंबे थे बाहर को झांकते से दिखलाई दिए। फोन फिर से खनखना उठा, उसने एक बार फिर घूमकर देखा तथा झटके में रिसीवर उठाकर बोला,
हेलो, आवाज उस कुत्ते को मात कर रही थी जो बहुत देर से भौंक रहा हो और अव आऊं आऊं कर रहा हो, और अवर्ट कोई दूसरी तरफ से गरजा। इस गरजदार आवाज को सुनते ही रॉबर्ट की पिंडलियां जैसे पस्त हो गई। वो घिघिया पड़ा। ओह, आप सर, सॉरी सर, मैं कुछ और समझा था। क्या समझे थे तू जी? कोई बेहूदी जराना आवाज थी। कोई लेडी जी? हाँ, कोई लेडी बोल रही थी। दूसरी ओर से बोलने वाले को जैसे सांप सूं गया था। रॉबर्ट भी कुछ सोच ही रहा था कि तभी पुनः आवाज गूंजी। रॉबर्ट, मैं समझ गया, तुम अपने भेजे को ठंडा अरा कर काम करो। समझो, मैंने फोन सिर्फ इसलिए किया है। जी, वो लड़की कोई और नहीं, वही होगी, समझे, जिसने हमारे एक साथी को कुचल डाला तथा दूसरे को ले भागी। बी केयरफुल। रिसीवर रखने की आवाज़ और रॉबर्ट ने बखूबी सुनी और क्रेडिल पर रिसीवर रख दिया। वो हताश सा हो उठा। मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं किसी भी कीमत पर छोड़ूंगा नहीं। इन शब्दों के साथ ही कमरे की खिड़की का शीशा खनखना कर टुकड़े टुकड़े हुआ। रॉबर्ट अभी इस ओर देख ही सका था कि दूसरा शीशा ऊंचाई वाला टूटा। उस ऊपर वाले शीशे के चौकोर खाने में एक हसीन सूरत फ्रेम की तरह जड़ गई तथा नीले वाले खाने में रिवॉल्वर आकर जैसे फिट हो गया। रिवॉल्वर का रुख रॉबर्ट की तरफ था। हसीन सूरत पर जो चश्मा चढ़ा था, उनमें से झांकती आंखों में क्रोध की चरम सीमा थी। रॉबर्ट को पसीना छलछला आया। अब वो अपलक कभी हसीन सूरत की ओर देखता, कभी रिवॉल्वर की ओर, जो आग उगलने के लिए कभी भी तैयार था। कौन हो तू? रॉबर्ट ने गरजने की कोशिश की। वो हंसी और हंसते हुए बोली, रॉबर्ट, मैं विक्टर की मौत हूँ, थम्सम की मौत हूँ, तुम्हारी भी मौत बन सकती हूँ। मैंने पूछा, कौन हो तू? रॉबर्ट फुना गरजा। रॉबर्ट, कुत्ता सिर्फ भौंकता है, गरजता नहीं, और यदि गरजने की कोशिश करे तो भौंकना भी भूल जाता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये तुम्हें पता है रॉबर्ट, लेकिन लेकिन रॉबर्ट हकलाया। रॉबर्ट, ओ मर्जी, ओ जोर से गरजी। साथ ही आगे बोली, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहती, तुम आदमी समझदार हो, थिंक ओवर दिस मैटर। और हाँ, शाम 7 बजे पिंट द गेस्ट में मिलना। लेकिन रॉबर्ट ना तो आगे बोल सका और ना उस हसीना ने सुना। वो फलक झपकते खिड़की के चौखोटों में से जड़ी हुई तस्वीर की तरह जाने कब निकल गई। रॉबर्ट उछलता हुआ अलमारी के पास पहुंचा। उसने उसे एक झटके में खोला, रिवॉल्वर निकाला और दरवाजा जीव ही बाहर निकला, लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। सामने खड़ी थी वही हसीना। उसने रॉबर्ट को घूर कर देखा, रिवॉल्वर की नली उसकी ओर सीधी की, ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा। रॉबर्ट घिघिया पड़ा। नो मिस, रॉबर्ट, वो गरज कर बोली, क्यों अपनी मौत का इंतजाम खुद ही करते हो? अकल से काम लो, जिंदा रहोगे जीने का मजा लूटोगे, वरना रिवॉल्वर की मुर्दा गोली तुम जैसे जिंदा आदमी को मुर्दा बनाने के लिए काफी है। उसने हाथ बढ़ाया और रॉबर्ट के हाथ से रिवॉल्वर छूट गया। रिवॉल्वर लेकर एक ओर की फेंकते हुए उसने कहा, अच्छा रॉबर्ट, बाय बाय, मैं 7:30 बजे पेंट गेस्ट में तुम्हारा इंतजार करूंगी। रॉबर्ट ठागा सा खड़ा देखता रह गया और वो हसीना उसकी आंखों के सामने उसे बुजदिल करार देकर गायब हो गई। दिल्ली के उस नाइट क्लब में क्रॉनिकल की रिपोर्टर निधि चौहान ने कदम रखा और बार टेंडर की तरफ बढ़ गई थी।
निधि चौहान को आप लोग भूले तो नहीं होंगे। ये वही निधि चौहान है जिन्होंने अपने दिमाग की धार की बदौलत एक बेगुनाह इंसान को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्जाम से बरी करवा कर असली कातिलों को उनके अंजाम तक पहुंचाया था। क्लब में मस्ती और हुड़दंग अपने पूरे शराब सबाब पर था। जवान उम्र के लड़के और लड़की इस वक्त मस्ती के आलम में डांस फ्लोर पर एक दूसरे की बाहों में खोए हुए झूम रहे थे। सिगरेट के उड़ते हुए छल्लो वहां के वातावरण को और भी दमघोटू बना रहे थे। उसी बार में अंदर की तरफ एक हुक्का बार भी बना हुआ था जहां पर इस वक्त युवक और युवतियां उन हुक्कों में अलग अलग प्रकार के फ्लेवर के टैबको के नशे में एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे। बारटेंडर से कुछ पूछने के बाद निधि चौहान उसी हुक्का बार में प्रवेश कर चुकी थी। तभी एक युवक अचानक से उठा और उसने अपने साथ वाले लड़के की गोद में मदहोशी की हालत में बैठी हुई लड़की को हाथ पकड़कर एक झटके के साथ उठाया और उसे अपने से चिपकाकर जबरन उसके होठों पर अपने होठों की मुहर लगाने का प्रयास करने लगा। बड़ी मुश्किल से वो लड़की उसके चंगुल से उसे धक्का देकर आजाद हुई और वो जावेद पर फट पड़ी थी। निधि चौहान भी उस युवक की इस हरकत से सकते में आ गई थी। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की। उस लड़की के चीखते ही उसके साथ वाला लड़का भी अब उछल कर खड़ा हो गया था। क्या हुआ बेबी, उस लड़की का साथी युवक अभी सिर्फ बात को समझने की कोशिश कर रहा था। इस लड़के ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है जानू। वो लड़की अब सहम कर अपने जानू के साथ चिपक गई थी। क्यों वे साला, क्यों वे साले, जानता नहीं तू किस लड़की पर हाथ डाल रहा है, तेरे पूरे खानदान की लग जाएगी बेटा। उस लड़के ने बोलने से पहले ही उस युवक की गिरेबान पर हाथ डाल दिया था। बाजू हट साले भांडवे, आज की रात तेरी ये बेबी मेरे बिस्तर की जिन्नत बनेगी। ओ जावेद नाम का युवक इस वक्त बुरी तरह से नशे में झूम रहा था। तेरे बाप का राज है क्या, इस शहर में जो तू जिस लड़की को चाहेगा उसी को अपने साथ उठा कर ले जाएगा। इस बार उस लड़के की बजाय निधि चौहान अब जावेद के सामने तनकर खड़ी हो गई थी। निधि चौहान को ऐसा करते देख अब क्लब में बाकी लोगों की भीड़ भी उनके इर्द गिर्द जमा होने लगी थी। क्या हुआ माधुरी, ये लड़का तुझे परेशान कर रहा है क्या। तभी उस लड़की के और भी जानने वाला वहां इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। ये गंदी नाली का कीड़ा मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है यार। अब उस माधुरी नाम की लड़की का नाम सामने आ चुका था। क्यों वे बास्टर्ड, तेरी इतनी मजाल जो हमारे ग्रुप की लड़की के साथ गलत हरकत करे। उस युवक ने अब एक जोर का झापड़ उस युवक के चेहरे पर जड़ दिया था। अपने चेहरे पर थप्पड़ की गूंज सुनते ही जावेद की आंखें अपमान की आग में जलने लगी थी। जावेद चौधरी पर हाथ उठाकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है हरामजादे, जावेद गुस्से की आग में जलते हुए बोला ही था कि उसकी पीठ पर किसी और बंदे की लात पड़ी और जावेद मुंह के बल जमीन पर एक हुक्के को अपने साथ लेकर पसरी खा गया। तब तक कोई 5-6 लड़के लड़कियों की भीड़ ने जावेद को चारों तरफ से घेर लिया था। उन सभी ने अब जावेद को अब अपने जूतों की नोक पर उछालना शुरू कर दिया था। इतनी मार खाने के बाद शायद उसका नशा हिरन हो चुका था। वो एकाएक पलटी मार कर उठा और उसके उड़ते ही वो सभी युवक युवतियां एकदम से पीछे हटे। उन सभी की विस्फारित आंखें इस वक्त जावेद के ऊपर ही जमी हुई थी। जावेद के हाथ में इस वक्त एक पिस्टल लहरा रही थी। तभी जावेद ने एक झपट्टा मारकर निधि को अपने काबू में किया और अपनी पिस्टल निधि के सिर पर लगा दी। अब आओ हराम जादो, कौन जावेद पर अपनी ताकत आजमाना चाहता है। सालो, इस पिस्टल की सारी गोलियां इस लड़की के भेजे में खाली कर दूंगा।
पिस्टलधारी जावेद अपने हाथ में पिस्टल आते ही अब खुद को शेर समझने लगा था। सिक्योरिटी तभी माधुरी गला फाड़ कर चिल्लाई थी। तभी उस भीड़ को चीरते हुए कोई 7-8 पहलवान टाइप बाउंसर जावेद और उन लोगों के बीच में आकर खड़े हो गए। लेकिन उससे पहले ही निधि ने जावेद के हाथ में पिस्टल की परवाह न करते हुए एक धोबी पछाड़ मारकर जावेद को जमीन सुंघा दी थी। जमीन पर गिरते ही उसकी पिस्टल उसके हाथ से छूटकर दूर जा चुकी थी। ये बंदा पिस्टल के साथ इस क्लब में कैसे घुसा? निधि उन बाउंसरों को देखते ही उन पर चिल्ला पड़ी थी। तब तक 4 बाउंसरों ने जावेद को अपने काबू में कर लिया था। इस हरामी को भागने मत देना, अभी इसे बताती हूँ ये कैसे लड़की को अपने बिस्तर की जिन्नत बनाने के ख्वाब देख रहा था। ये बोलकर निधि चौहान ने अपने आईफोन से एक नंबर मिला दिया था। डीसीपी साहब, आपके आपके रहते हुए इस शहर में लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है। निधि ने पता नहीं किस अधिकारी को फोन मिला दिया था। उधर से पता नहीं उन साहब ने क्या बोला था कि निधि वहां घटे हुए वाक्य को अक्षरस बताती चली गई। कुछ देर के बाद निधि ने जब फोन को अपने कानों से हटाया तो उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी। इसे आवारा आसी को जाने मत देना, अभी डीसीपी साहब पुलिस भेज रहे हैं यहां पर, आज पूरी रात थाने में पुलिस वाले इसे अपने बिस्तर की जिन्नत बनाएंगे। निधि की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स ठहाका मारकर हंस पड़ा था। निधि अब उस माधुरी नाम की लड़की के करीब पहुंची और उसे सांत्वना देने लगी थी। जावेद नाम का वो लड़का अब उन बाउंसरों की पकड़ में छटपटा रहा था। उसने जोश में आकर पिस्टल लहराने की गलती तो कर दी थी, लेकिन उसे पिस्टल चलाने का मौका ही नहीं मिल पाया था। उससे पहले ही बाउंसरों ने उसे आकर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। पुलिस के आने की खबर सुनते ही अब क्लब में मौजूद लड़के लड़कियों की भीड़ एकाएक छटने लगी थी। कोई भी पुलिस के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। देखते ही क्लब अब खाली खाली सा नजर आने लगा था। इस वक्त क्लब में सिर्फ तमाशा देखने वालों की भीड़ ही बची थी। हर कोई देखना चाहता था कि इस पिस्टल लहराने वाले लड़के का क्या हश्र होना था। सभी पुलिस के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में वो इलाका पुलिस जिप्सी के सायरन की आवाज से गुजरने लगा था। पुलिस की गाड़ी उस क्लब के अहाते में आकर रुकी और उसे उतरकर एक एसआई और 3 कांस्टेबल क्लब के अंदर घुसे। क्लब में घुसते ही बाउंसरों के बीच खड़े हुए युवक की ओर वे सभी पुलिस वाले बढ़ गए। पुलिस को देखते ही उस जावेद चौधरी नाम के लड़के का सारा नशा अब गायब हो चुका था और उसकी आंखों में परेशानी के बांडल मंडराने लगे थे। एसआई कर्मचंद वैरवा ने आते ही उन बाउंसरों के हाथ से जावेद चौधरी को छुड़ाया। इसी ने पिस्टल निकाली थी मैडम, एसआई बैरवा ने निधि चौहान से पूछा। जी सर, इसने सिर्फ पिस्टल ही नहीं निकाली बल्कि इसने मेरे साथ गलत हरकत करने की भी कोशिश की। इस बार जवाब माधुरी ने गुस्से में कहा। क्यों वे साले, कर्मचंद बैरवा के इलाके में लड़की को छूने की तूने हिम्मत कैसे की? ये बोलकर बैरवा ने एक जोरदार थप्पड़ जावेद के मुंह पर दे मारा। जावेद की बोलती तो बाउंसरों के आने के बाद से ही बंद थी, अब पुलिस के आने के बाद उसकी जुबान पर ताला लग गया था। मैडम जी, अगर छेड़खानी और जबरदस्ती की रपट आप लिखवाएंगी तो आपने भी मारी गेल थाने चलना पड़ेगा, बैरवा ने ठेठ हरिवानवी बोली में बोला। सर जी देखिए, मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहती, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? इतने लोगों के सामने उसे मेरे साथ बदतमीजी की, सभी ने देखा, ये काफी नहीं है क्या? माधुरी बैरवा की बात सुनते ही भड़क गई थी। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ थाने चलूंगी, ऐसे लोगों को सजा दिलवाना बेहद जरूरी है। इस आदमी को अगर आज सबक नहीं सिखाया गया तो ये हर रोज लड़कियों के साथ ऐसी ही हरकत करेगा, निधि ने माधुरी को समझाते हुए बोला। मैडम जी, वैसे भी कानून और अदालत तो सबूत मांगती है, गवाह मांगती है, अगर आप ही अपना बयान नहीं दोगे तो हमें तो
इसे सिर्फ वारंट देकर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पीड़िता और गवाह के तो कोर्ट में हमारी छिछालेदारी हो जाएगी। बैरवा माधुरी को कानून की पेचीदगियां समझाते हुए बोले, ठीक है सर, मैं चलती हूँ आपके साथ, आप भी मेरे साथ चलेंगी ना मैडम, माधुरी ने हिचकिचाते हुए निधि से पूछा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, निधि ने माधुरी को हौसला दिया। आप ही वो रिपोर्टर निधि चौहान है जिन्होंने हमारे डीसीपी साहब को फोन किया था, बैरवा निधि से मुखातिब हुआ। जी हाँ, मैं ही क्रॉनिकल की रिपोर्टर निधि चौहान हूँ, आपके थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। निधि चौहान का परिचय पाते ही माधुरी के हौसले भी बम बम हो चुके थे। आखिर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ उसके साथ था तो उसे डरने की क्या जरूरत थी। कोई दो घंटे के बाद माधुरी और निधि को थाने से अपने घर जाने की इजाजत मिल पाई थी। थाने से उनके जाने के बाद अब बैरवा के उस रूम में दो कांस्टेबल के साथ जावेद ही बचा था। हाँ भैया, अब बताओ ये पिस्टल कहाँ से ली? वैसे शौकिया तौर पर अपने पास रखते हो या कोई कांड भी कर रखे हो? करमचंद बैरवा अब अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर चुका था। कोई कांड नहीं किए, हम तो ड्राइवर का काम करते हैं, ये पिस्टल तो बस अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे ही रखते थे, जावेद ने डरते हुए जवाब दिया। क्यों वीराना, अपने दिल्ली में कोई ऐसी दुकान है क्या जहां आलू प्याज के साथ पिस्टल भी बिकती हो? बैरवा ने तंज कसते हुए पूछा। नहीं जनाब, हमारी नज़र में तो आज तक ऐसी दुकान नज़र नहीं आई, राणा हवलदार ने इतनी फुर्ती से जवाब दिया था मानो सवाल के इंतजार में ही वो बैठा था। बता हराम के पिल्ले, ये बंदूक तेरे पास कैसे आई? एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए बैरवा ने पूछा। जावेद की समझ में नहीं आ रहा था क्यों क्या जवाब दे। मुझसे गलती हो गई साहब, अब कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दीजिए, मेहरबानी होगी सर, जावेद मिमियाने स्वर में बोला। एक तो बिना लाइसेंस वाली पिस्टल रखता है, पब्लिक प्लेस पर पिस्टल खुलेआम लहराता है और कहता है छोड़ दो, लड़की के साथ खुलेआम तुमने गलत हरकत की, शुक्र मना कि अभी तक तू सही सलामत मेरे सामने बैठा हुआ है। बैरवा बोलते हुए अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और एक जोर का थप्पड़ और जड़ दिया। उन्हें जानना था कि ये गैर कानूनी पिस्टल जावेद के पास कहां से आई। अब प्यार से बताएगा कि पिस्टल तेरे पास कहां से आई या तेरी खातिरदारी शुरू करूं? बैरवा ने बड़ी सख्त आवाज के साथ जावेद के लंबे बालों को अपने हाथों में जकड़ लिया। मैंने ये पिस्टल एक बदमाश के पास से चुराया था, तब से ये पिस्टल मेरे पास है, जावेद दर्द से चिल्लाते हुए बोला। राणा इसके पांव में डंडा फंसा और चला साले पर रोड रोलर, इसने करमचंद बैरवा को बेवकूफ समझ रखा है। बैरवा अब रौद्र रूप धारण कर चुके थे। बैरवा का हुक्म मिलते ही राणा ने कोने में रखे हुए एक लठ को उठा लिया था, जिसे देखकर जावेद के प्राण हलक में आकर अटक गए। वो भयभीत नजरों से इस वक्त कभी राणा को और कभी करमचंद बैरवा को देख रहा था। तभी दूसरे कांस्टेबल ने जावेद को पकड़ कर खड़ा किया और जावेद के खड़े होते ही राणा ने उसके पांव के पिछले वाले हिस्से में घुटने के पीछे उस लाठी को लगा दिया। चल बैठा, उस दूसरे कांस्टेबल ने जबरन जावेद को नीचे बैठाने का प्रयास करते हुए बोला। माफ कर दो साहब, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जावेद को एहसास हो गया था कि उसके साथ अब ये तीनों पुलिसें मिलकर क्या करने वाले हैं। एक तो कानून व्यवस्था को खराब करते हो और ऊपर से पब्लिक को रौफ दिखाते हो। बैठा साले को इस डंडे पर, उसकी मिमियाहट सुनकर एसआई बैरवा ने जोर से कहा। तभी राणा ने उसके पीछे से लठ को हटाया और पूरी ताकत से उसके पिछवाड़े पर जड़ दिया। हाय मर गया, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, जावेद इसके सिवा कोई और शब्द नहीं बोल पाया। तभी राणा ने एक के बाद एक कई लठ उसके पिछवाड़े पर जमा दिए। बैरवा को लगने लगा था
कि कहीं ना कहीं ये शख्स गलत है, इसलिए उसके साथ सख्ती बरत रहे थे। अब बैरवा अपनी पुलिसिया बेल्ट को खोलने जा रहे थे। बेल्ट को देखकर जावेद का गला सूख गया। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं कुछ मत करो, मैं सब बताता हूं, मुझे ये पिस्टल मेरे साहब ने दिया था। ये तेरा साहब कौन है और किस काम के लिए उसने तुझे ये पिस्टल दिया था? वो मुझसे किसी को पिस्टल दिखाकर धमकी दिलवाना चाहते थे, जावेद ने बैरवा को बताया। धमकी तो कोई भी किसी को भी दे सकता है, वो धमकी तुझसे ही कोई दिलवाना चाहता था, वो भी पिस्टल दिखाकर। बैरवा को उसकी बात हजम नहीं हो रही थी। वे बहुत बड़े लोग हैं साहब, ऐसे टटफुंजिया काम खुद नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम जैसे छोटों लोगों से ऐसे काम करवाते हैं। जावेद को लगा था कि बैरवा उसकी बात पर विश्वास कर चुका है। तेरे इस बड़े साहब का कोई नाम तो होगा? बैरवा अब उसका नाम जानने के लिए अधीर हो चुका था। जाने दीजिए ना साहब, क्या करोगे उसका नाम जानकर? जावेद ने मिमियाते हुए बोला, साले जल्दी उस शख्स का नाम बता, वरना ध्यान रख कि तेरा ऐसा रिमांड लूंगा कि तुझे तेरी सात पूछते याद आ जाएंगी। ये बोलकर बैरवा ने अपने साथी को इशारा किया और पुलिसिया हाथों में डंडा लेकर उसके ऊपर पिल पड़ा था। मुझे छोड़ दो साहब, उन साहब ने मुझसे एक मर्डर करवाया था। जावेद ज्यादा देर तक अपनी डंडों से धुनाई और पिलाई सह नहीं कर सका था। बैरवा और राणा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाज नहीं था कि एक ड्राइवर इतना बड़ा क्रिमिनल निकलेगा। उसने एक मर्डर भी किया था और वो बात वो खुद अपने जुबानी इस वक्त कबूल कर रहा था। दिल्ली से करीब 732 किलोमीटर दूर जम्मू में एक लड़की घबराई हुई अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके कमरे में रखे हुए लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठती है। कमरे में बैठी लड़की फोन की आवाज़ सुनकर एकदम से उछलकर खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से फोन को उठाया। हेलो, मोबाइल बंद रखने से पीछा नहीं छूटने वाला मैडम, मेरे पास आपकी पूरी जन्म कुंडली है। सामने वाले की आवाज़ सुनकर उस लड़की के माथे पर पसीना छलक आया था। तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे काम की पूरी कीमत तो मैं तुम्हें दे चुकी हूँ, उस लड़की ने हताश भरे आवाज में कहा। वो पैसा तो कब का खर्च हो गया है मैडम, अब क्या है कि रोटी खाने के वास्ते तो पैसा चाहिए ना। उधर से जो भी बोल रहा था उसकी आवाज नशे में धुत थी। देखो मैं बार बार तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकती, इस बार बस आखिरी बार दे रही हूं, इसके बाद अगर मुझे पैसों के लिए फोन किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मंजूर, लेकिन इस बार थोड़ा जास्ती देने का, इसके बाद फिर कभी नहीं मांगूंगा। कितना चाहिए? लड़की ने पूछा। सिर्फ 5 लाख मैडम, उसके बाद फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। पाक परवरदिगार की कसम, आवाज बहकने के साथ लहक भी रही थी। ठीक है, भिजवाती हूं, इतना कहकर उस लड़की ने फोन पटक दिया और अपने माथे पर हाथ धरकर किसी गहरे सोच में डूब गई। इधर हवालात में जावेद की कत्ल करने की बात कबूल करने के बाद अब बैरवा की बेल्ट और उसके साथी पुलिसिये का लठ उसके ऊपर दुगने जोश से बरसने लगा था। उस कमरे में इस वक्त जावेद की चीखें थामने का नाम ही नहीं ले रही थी। जावेद रहम की भीख मांगने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि बैरवा साहब की बेल्ट एक छन्नटेदार थप्पड़ की तरह से उसकी पीठ पर पड़ी। अब बैरवा साहब उससे कुछ पूछ नहीं रहे थे, बस बिना रुके उसकी पीठ पर बेल्ट बरसाए जा रहे थे। अब बताइए तेरा साहब कौन है जिसने तुझसे कत्ल जैसा जघन्य कांड करवाया है? बैरवा साहब ने अब अपनी कुर्सी को खींचकर जावेद के सामने बैठते हुए पूछा। मैं 3 साल पहले उनके पास ड्राइवर का काम करता था, जावेद अब तोते की तरह से बोल रहा था। साहब वे बहुत बड़े लोग हैं,
अगर मैं उनके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो वे लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगे। जावेद के मुंह से ये बात सुनते ही बैरवा साहब के कान खड़े हो चुके थे। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जिंदा तो तुझे हम भी नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने सब सच नहीं बताया। लेकिन इस सवाल का जवाब बैरवा साहब को अपनी उम्मीद के मुताबिक तुरंत नहीं मिला, बल्कि यूं कहिए कि बैरवा साहब अभी भी जवाब के इंतजार में जावेद का मुंह ताक रहे थे। अभी बोल, साहब कुछ पूछ रहे हैं। तभी राणा ने एक पांव की ठोकर जावेद की पसलियों में जमाते हुए पूछा, रुक जा राणा, अब मत मार। देख भाई, तू जितना आसानी से बताएगा हम उतनी ही इंसानियत से तेरे साथ पेश आएंगे। अगर तू नाटक करेगा तो हमें अपना रंग दिखाना ही पड़ेगा, ऐसा ही बैरवा ने जावेद से कहा। जी जनाब, ये बोलकर राणा अब अपनी लाठी को लेकर जावेद से दूर जाकर खड़ा हो गया। अरे उस लड़के को चाय पिलाओ भाई, और साथ में बिस्कुट भी खिलाओ, कब तक मार खाता रहेगा, रात का नशा उतर चुका होगा इसका, अब भूख लग आई होगी बेचारे को, बैरवा साहब ने उस दूसरे मुरारी नाम के कांस्टेबल की ओर देखकर बोला। जी जनाब, अभी लाता हूँ, ये बोलकर मुरारी बैरक से बाहर चला गया। हाँ तो जावेद मियाँ, वो कहावत तो तुमने सुनी ही होगी कि बरसात में फिसलने का और पुलिस की मार का कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। चल अब सबसे पहले तू अपने उस साहब का नाम बता जिसके लिए तूने कत्ल किया, असली मुजरिम तो वे ही हैं, अपने गुनाह को तेरे जैसे गरीब इंसान के हाथों से करवा कर खुद इज्जत के साथ रह रहे हैं। जब असली मुजरिम वो है तो सजा भी उसे ही मिलेगी। एसआई बैरवा ने अब अपनी पूछताछ का ढर्रा बदल दिया था, अब वे जावेद का हमदर्द बनकर उससे सब कुछ जान लेना चाहते थे। साहब, उनका पूरा नाम अंगद कपूर है, वो मशहूर फैशन डिजाइनर आंचल कपूर के पति है, उन्होंने मुझे पिस्टल दी थी। जावेद ने जरा सी हमदर्दी पाते ही अपना मुंह खोल दिया था। अंगद कपूर, ओ अंगद कपूर जिसका कपूर माल भी है, बैरवा की आंखों में अब एक अनोखी चमक आ गई थी। जी साहब, लेकिन रहते हो मालवीय नगर में, जावेद ने बोला। देखो जावेद, मैं जानता हूं ऐसे लोग तुम्हारे जैसे गरीब और मजबूर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाकर अपने गलत काम करवाते हैं। तुम बेफिक्र होकर उस बंदे के बारे में हमें बताओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और उस रईस जादे को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर रहूंगा। बैरवा ने अपना आखिरी पुलिसिया दाव चल दिया था। साइकोलॉजी कहती है कि अपराध के दलदल में फंसा हुआ इंसान जरा सी हमदर्दी पाते ही टूट जाता है, उसे जहां कहीं से भी बच निकलने की उम्मीद नजर आती है उसी रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है, फिर चाहे उस रास्ते पर सयाद ही क्यों ना उसका शिकार करने के लिए खड़ा हो। ठीक वही मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाकर बैरवा साहब जावेद से सब कुछ उगलवा रहे थे। साहब, अंगद कपूर और उनकी पत्नी आंचल मैडम ने मुझसे एक कत्ल करवाया था, जावेद ये बोलकर चुप्पी साध कर बैरवा साहब के चेहरे की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। किसका कत्ल करवाया था? बैरवा साहब अब अपनी कुर्सी को और आगे सरका कर जावेद के सिर के ऊपर सवार हो गए थे। जी, अपनी ही बेटी सिमरन का कत्ल उन्होंने मुझसे करवाया था। जावेद के मुंह से ये सुनते ही उस कमरे में एकाएक सन्नाटा छा गया। सब इंस्पेक्टर बैरवा और बाकी के पुलिस वाले हैरान थे जावेद की बात सुनकर। तेरे हाथों से उन्होंने अपनी ही बेटी का मर्डर करवाया? अब बैरवा साहब शांत होकर अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। बैरवा, अगर एक भी बार तूने मुझसे झूठ बोला तो ये याद रखना, मैं तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तेरी सच्चाई ही तुझे अब तेरी इस गुनाह से बचा सकती है। साहब, अब आपसे छुपाने के लिए बचा ही क्या है, जो गुनाह हो गया है उसका हमें बहुत पछतावा है, अब आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेंगे, बस एक बार हमें माफी दे दो। उसकी जिंदगी अब दांव पर लग चुकी थी। तेरे गुनाहों की माफी तुझे एक ही सूरत में मिल सकती है कि तू असल गुनहगारों को पकड़वाने में हमारी मदद कर, ऐसा ही बैरवा ने जावेद को समझाते हुए कहा।
साहब, मैं सब बताने को तैयार हूँ, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए। जावेद बैरवा साहब की बातें सुनकर अब थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा था। जब तुमने कत्ल किया है तो लाश भी तो कहीं ना कहीं ठिकाने लगाई होगी, बता उस लाश को कहाँ ठिकाने लगाया। बैरवा का अब मामले की पूरी गहराई तक जाना जरूरी था। साहब, दिल्ली में रजोकरी की पहाड़ियों के पीछे एक घना जंगल है, हमने वहीं पर एक गड्ढा खोदकर उस लड़की को गाड़ दिया था। थूक को गटकते हुए जावेद ने अपनी बात कही। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। ये कब की बात है? बैरवा साहब ने अगला सवाल किया। साहब, 3 साल हो गए। जावेद ने एसआई बैरवा के चेहरे को टकटकी लगाकर देखते हुए कहा। जनाब, 3 साल में तो कब्र में बस उस लड़की के अब कंकाल ही बचे होंगे। इस बार राणा ने बैरवा साहब की ओर देखते हुए बोला। हाँ, सिर्फ कंकाल ही बचे होंगे राणा, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब वो कंकाल भी अपनी कहानी खुद ही बताएगा। एसआई बैरवा ने फिलोसफर वाले अंदाज में कहा। वो तो उसकी अपनी बेटी थी तो मरवाया क्यों? बैरवा फिर से जावेद से मुखातिब हो चुका था। साहब, मैंने ये बात पूछी थी मैडम से कि आप लोग बेबी को क्यों मारना चाहते हो, लेकिन वे बोले कि तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रहे हो। जावेद बहुत डरा हुआ था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि पुलिस अब उसे नहीं छोड़ेगी, और अगर बाहर आ गया तो कपूर नहीं छोड़ेगा। कुल मिलाकर जावेद के आगे इस वक्त आगे कुआं और पीछे भी कुआं था। यही कह लीजिए कि उसके आगे भी मौत थी और पीछे भी मौत थी। जरा कोई इश्क मुश्क का लफड़ा होगा छोरी का, तब भी मरवा दिया होगा छोरी को। इस ससुरे बड़े लोगों की नाक बड़ी ऊंची हवेस है। तभी राणा ने ठेठ हरियाणवी लहजे में अपनी राय जाहिर की। ये बीमारी तो हमारे हरियाणा में भी बहुत है, कितने ही छोरा छोरी इसकी बलि चढ़ चुके हैं। तभी मुरारी ने भी अपनी टिप्पणी की। तुम दोनों थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान बंद कर लो और मुझे इससे पूछताछ करने दो, थारी इस बकलोली से दिमाग से सवाल ही गायब हो जाते हैं। बैरवा साहब अचानक से राणा और मुरारी पर ही झुंझला उठे थे। एसआई बैरवा को गुस्से में देकर दोनों एकदम से चुप्पी साध कर खड़े हो गए थे। बैरवा ने अपने चाय के गिलास में आखिरी घूंट भरी और जावेद से बोले, ये काम तेरे अकेले के बस की बात तो होगी नहीं, तेरे साथ इस कांड में और कौन कौन शामिल थे? इंस्पेक्टर बैरवा ने आगे पूछा। मैं अकेले था साहब, मैंने सब कबूल तो कर लिया है, अब किसी और को इस केस में फंसा कर क्या मिलेगा। जावेद को बैरवा साहब के इरादों को भांपने में देर नहीं लगी थी। तेरी बातों से ही जाहिर हो रहा है कि तेरे साथ इस वारदात में और लोग भी शामिल थे, फिर उनका नाम बताने में क्या ऐतराज है तुझे? मर्डर हुआ है, इस कत्ल के हर अपराधी के बारे में हमारे लिए जानना जरूरी है, तभी हम तुझे बचा पाएंगे जावेद, बैरवा ने जावेद को फुचकारते हुए बोला। साहब, अब तो हमें यह भी नहीं मालूम कि लोग कहां पर होंगे, गड्ढा तो हमने 2 मजदूरों को रजोकरी के चौक से पकड़कर खुदवाई थी, वे तो दिहाड़ी मजदूर थे साहब। जावेद की शक्ल से ही लग रहा था कि वो इस बार किसी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। साले, मुझे चुतिया समझता है क्या? उन मजदूरों ने तुझसे ये नहीं पूछा होगा कि गड्ढा जंगल में खुदवाने का क्या मतलब है, कब्र तो कब्रिस्तान में खुदवाया जाता है, जंगल में थोड़े ना। इस बार बोलते हुए एसआई बैरवा ने एक चमाट भी उसके थोबड़े पर जमा दी थी। जल्दी अपने साथियों के नाम बता, फिर तुझे उस लड़की की कब्र पर भी लेकर चलना है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, अब जल्दी से बक अपने साथियों के नाम, बैरवा ने कड़े शब्दों में जावेद को झपटते हुए कहा। साहब, जाने दीजिए ना, कोई नहीं था मेरे साथ, जावेद अभी भी इनकार कर रहा था। तू साले ऐसे नहीं मानेगा, तेरे ऊपर पुलिस की 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, बनाओ रे इस साले का हवाई जहाज। बैरवा साहब अब भड़क चुके थे। बैरवा का आदेश पाते ही राणा और मुरारी ने दोनों तरफ से पकड़कर जावेद को उठाया और उसे धकेलते हुए बैरक से बाहर उस जगह ले गए जहां पर लोहे के पोल पर 2 टायर बंधे हुए थे।
राणा ने एक टायर से उसके दोनों हाथ बांध दिए। उसके बाद मुरारी और राणा दोनों मिलकर उसके दोनों पांव दूसरे टायरों में डालने की कोशिश करने लगे। पुलिसिया भाषा में इसे ही हवाई जहाज बनाना बोला जाता है। जावेद के मुंह से अभी भी बस इतना ही निकल रहा था, साहब छोड़ दो, मैंने सब बता तो दिया। लेकिन कुछ ही देर में जावेद का शरीर दोनों टायरों के बीच में झूल रहा था। तभी मुरारी दौड़ता हुआ गया और कमरे में रखी लाठी को ले आया। जावेद अब फटी हुई आंखों से कभी खुद के झूलते हुए शरीर को देख रहा था और कभी उस लठ को देख रहा था। मैंने सब तो बता दिया साहब, मेरे साथ कोई भी नहीं था। जावेद की मिमियाहट अब चीखने में बदल गई थी। इसकी खातिरदारी शुरू करो, मैं जरा साहब लोगों को इस केस की पूरी जानकारी देकर आता हूँ। ये बोलकर बैरवा तेज कदमों से अपने साहब के कमरे की तरफ चल दिया था। जावेद की चीखें अब चीत्कार में बदल चुकी थी। चार पांच करारे लठ पड़ते ही जावेद की समझ में आ गया था कि आज बकरा कसाईयों के हाथे चढ़ चुका है। इसीलिए वो एकाएक चीख पड़ा, मेरे साथ सलीम था, उसी के साथ मिलकर मैंने गड्ढा खोदा था। जावेद के मुंह से ये कबूलनामा सुनते ही राणा और मुरारी के हाथों में तुरंत ब्रेक लग गया था। लेकिन अब सवाल ये था कि ये सलीम कौन था। सर, हमने क्लब से जिस आदमी को पिस्टल लहराने के जुर्म में पकड़ा वो तो मर्डरर निकला। एसआई करमचंद बैरवा ने इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह के रूम में कदम रखते ही बोला था। करमचंद बैठकर आराम से पूरी बात बताओ, समर साहब ने करमचंद की तरफ देखते हुए बोला। सर, कल रात को जो आपके पास डीसीपी साहब की कॉल आई थी तो उस कॉल पर मैं क्लब गया था और वहां से एक जावेद नाम के आदमी को पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। करमचंद ने पूरी घटना बताना शुरू किया। तुम उसी कॉल की बात कर रहे हो ना जिसके लिए उस रिपोर्टर निधि चौहान ने डीसीपी साहब को ही फोन खटका दिया था, समर प्रताप ने झट से बोला। जी जनाब, लेकिन जिस जावेद को हमने पकड़ा है उसने हमारी पूछताछ में कबूल किया है कि उसने 3 साल पहले एक लड़की का कत्ल किया है, बैरवा ने पूरी बात बताई। उसने बताया कि उसने किस लड़की को मारा था, समर साहब ने संक्षिप्त स्वर में पूछा। सर, इस केस में सबसे बड़ा झोल ये है कि जावेद बता रहा है कि उसने मशहूर फैशन डिजाइनर आंचल कपूर की बेटी सिमरन कपूर का कत्ल आंचल कपूर और उसके हेडसमैन के कहने पर ही किया था। बैरवा की बात सुनते ही समर प्रताप एकाएक कुर्सी से उछल पड़े थे। क्या वो सच बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद की जान बचाने के लिए इतने बड़े लोगों को इस झमेले में घसीट रहा हो, समर प्रताप ने आशंका जाहिर की। सर, मुझे तो उसकी बातों में सच्चाई लग रही है क्योंकि उसके अनुसार 3 साल पहले वो उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता था, बैरवा ने समर साहब की आशंका को खारिज कर दिया था। ठीक है बैरवा, उसे पता करो कि उसने कहाँ पर उस लड़की की लाश को दबाया है। सबसे पहले उस लाश को बरामद करो, तभी ये केस कुछ आगे बढ़ सकता है, समर प्रताप ने बैरवा को दिशा निर्देश देते हुए बोला। समर साहब का आदेश मिलते ही बैरवा उस कमरे से रुखसत हो गया था। इसे गाड़ी में डालो, मेरी साहब से बात हो गई है, साहब रजोकरी थाने की पुलिस से बात कर रहे हैं और 2-4 मजदूरों का भी इंतजाम करो। मुरारी, हमें उस जंगल में जाना होगा जहां उस लड़की को गाड़ा गया था ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सके, एसआई करमचंद बैरवा ने सख्ती के साथ ऑर्डर देने के अंदाज में कहा। साहब, इसने अपने किसी सलीम नाम के साथी का नाम भी बताया है जो इस कांड में इसके साथ शामिल था, तभी हवलदार राणा ने बैरवा जी से कहा। पहले इस लाश को बरामद करते हैं, फिर इस सलीम को भी ढूंढ लेंगे, बैरवा साहब अब एक्शन में नजर आ रहे थे। इसके हथकड़ी लगाओ और 4 सिपाहियों का घेरा इसके इर्द गिर्द गाड़ी में बिठाने के बाद बनाकर रखना, ये किसी भी सूरत में हमारी हिरासत से भागने ना पाए, ये बोलकर बैरवा साहब कुछ कागजी खानापूर्ति करने के लिए वापस अपने कमरे की ओर चले गए। एसआई बैरवा अभी अपने कमरे में घुसे ही थे कि उनका फोन बजने लगा। बैरवा ने हड़बड़ी में फोन उठाया। हेलो, बैरवा ने बोला, मैं रिपोर्टर निधि चौहान बोल रही हूँ। कल रात को जिस आदमी को पिस्टल के साथ पकड़ा था
उसके खिलाफ क्या केस बनाया है आपने? मुझे उसकी जानकारी चाहिए। मुझे रिपोर्ट अपने अखबार और चैनल पर पब्लिश करनी है, निधि ने बोला। मैडम, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन उस मामले में चल रही है, आप शाम तक इंतजार कीजिए, मैं आपको इससे भी बड़ी खबर दूंगा, बस उस खबर में जरा मेरी पीठ थपथपा देना, बैरवा ने खुशामद भरे लहजे में बोला। लगता है उस बंदे से कोई खास लीड मिली है आपको, तभी इतना चाक रहे हो बैरवा साहब। चलिए मैं आपको शाम को फोन करती हूँ, मुझे बताना कि क्या बड़ी चीज आपके हाथ लगी है, ये बोलकर निधि ने फोन काट दिया। अब मेरा प्रमोशन कोई नहीं रोक सकता, मैं कब से ऐसे मौके की तलाश में था, बैरवा मन ही मन बड़बड़ाते हुए अपनी टेबल पर कुछ ढूंढने में मशगूल हो गया था। एसआई बैरवा की निगरानी में जावेद को रजोकरी के जंगलों की ओर से जाया जा रहा था। जावेद के बताए अनुसार जिप्सी जंगल के अंदर चली जा रही थी, रास्ता सही नहीं था। जंगल में एक पुराने खंडहर के पास जावेद ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया। जावेद का इशारा मिलते ही गाड़ी रुक गई थी। जावेद को पुलिस के घेरे में ही नीचे उतारा गया। जावेद उस खंडहर के पीछे की तरफ उन पुलिस वालों को लेकर जाने लगा। एक जगह पर जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक कब्र जैसा दूर से ही नजर आ रहा था, लेकिन अब उस कब्र पर काफी घास उगाई थी। आदेश मिलने पर सभी मजदूर अपना कुदाल फावड़ा लेकर उस जगह को खोदने लगे। थोड़ी देर के बाद वहां के वातावरण में तेज बदबू फैल गई। सभी ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिए। चारों मजदूर अभी भी खुदाई का काम कर रहे थे। कुछ देर बाद गड्ढे में एक कंकाल दिखाई देने लगा था। कंकाल के मिलने से एक बात तो साफ हो गई थी कि अभी तक जावेद ने जो भी कहानी बताई थी उसमें सच्चाई थी। इस वक्त उन मजदूरों ने कब्र को पूरी तरह से खोद दिया था। कंकाल की दशा काफी खराब थी। इस कंकाल का पोस्टमार्टम तो क्या ही होगा, ये तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है, फॉरेंसिक वालों को बुलाना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सिंह ने एसआई बैरवा की तरफ देखते हुए बोला। सर, मर्डर केस है और वो भी हाई प्रोफाइल, थोड़ा रिस्की होगा, मुझे लगता है केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी, बैरवा साहब ने एक बार फिर से अपने तजुर्बे को जाहिर किया। ठीक कह रहे हैं आप, इन्वेस्टिगेशन के लिए स्ट्रांग एविडेंस इकट्ठे करने होंगे, ये बोलकर अब सिंह साहब फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को फोन लगाने लगे। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम की टीम को कॉल करने के बाद उन्होंने अपने थाने के एसआई गुलाब सिंह को फोन किया। गुलाब सिंह एक फैशन डिजाइनर है आंचल कपूर, पता लगाओ कि वो दिल्ली के किस एरिया में रहती है और उनके घर जाकर पता करो कि उनकी लड़की सिमरन इस वक्त कहाँ है। उनसे किसी भी बात की कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, बस जो लोग बताते हैं बस उसे नोट करके आ जाना, इंस्पेक्टर सिंह ने गुलाब सिंह को समझाते हुए कहा। फोन कट करने के बाद इंस्पेक्टर सिंह फॉरेंसिक टीम के आने का इंतजार करने लगे। दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में इस वक्त दिल्ली की जानी मानी फैशन डिजाइनर आंचल कपूर के डिजाइन किए गए कपड़ों का शो चल रहा था। स्टेज पर आंचल कपूर के डिजाइन किए गए कपड़ों में सजी धजी मॉडल्स नए कलेक्शन का प्रदर्शन कर रही थी। आंचल कपूर इस वक्त काफी बिजी थी, कभी किसी मॉडल के पास तो कभी किसी हस्ती के पास। हर फैशन डिजाइनर के लिए ये पल बेहद खास होते हैं जब उनकी डिजाइन की गई कलेक्शन को पहनकर देश की टॉप मॉडल रैप पर कैटवॉक करती है। तभी आंचल कपूर का फोन गड़गड़ा उठा। फोन की स्क्रीन पर नजर पड़ते ही आंचल कपूर ने फोन अपने कान पर लगा लिया था। अंगद, तुम्हें पता है ना कि इस वक्त मैं कितनी बिजी हूँ, अगर कोई खास काम ना हो तो हम बाद में बात करें, आंचल ने अपने पति अंगद कपूर से कहा था। इमरजेंसी है तभी तो कॉल किया है, इस वक्त घर पर पुलिस आई है और सिमरन के बारे में पूछताछ कर रही है। अपने पति के मुंह से ये बात सुनते ही आंचल के होश उड़ गए। चोर निगाहों से अपने आसपास देखा और भीड़ में से निकलकर एक सुनसान गैलरी में जाकर उसने फिर से फोन को कान पर लगाया। पुलिस क्यों सिमरन के बारे में पूछताछ करेगी, उसका सिमरन से क्या वास्ता, आंचल ने झुंझलाए हुए आवाज में पूछा। मुझे क्या पता,
क्योंकि वो पूछताछ कर रहे हैं। अंगद ने भी थोड़ा गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया, उन्हें बोलो कि सिमरन तो इंडिया में है ही नहीं और वो पिछले कई सालों से ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। आंचल ने अपने पति को समझाया, क्या बोलना है क्या नहीं पहले तुम घर आ जाओ, नहीं तो ये लोग वहां पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच गए तो सबको पता चल जाएगा, या हम दोनों मिलकर शांति से मामला निपटा देंगे। अंगद कपूर ने इस बार अपने लहजे को थोड़ा नम्र करते हुए बोला, लेकिन मैं इस वक्त ये सोच छोड़कर नहीं आ सकती, मेरे लिए ये कितना जरूरी इवेंट है ये तुम जानते हो अंगद। आंचल ने अपनी मजबूरी जाहिर की, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ, अगर वो नहीं माना और सिमरन से मिलने के जिद पर ही अड़ा रहा तो फिर तुम्हें ही उसे संभालना होगा। अंगद ने यह बोलकर बिना कोई जवाब सुने ही फोन काट दिया। आंचल खुद को नॉर्मल करते हुए अपने चेहरे पर आए पसीने को पोंछते हुए अंदर चली गई। उसके मन में अभी भी ये सवाल हलचल पैदा कर रहा था कि आखिर इतने दिनों बाद पुलिस इस केस को फिर से क्यों ओपन कर रही थी, आखिर क्यों वो सिमरन के बारे में पूछ रही थी। यही सवाल अब आंचल के मन में खौफ पैदा कर रहा था, बस खौफ पैदा कर रहा था। आदरणीय श्रोता, तो ये थी हमारी आज की उपन्यास की पहली एवं इसकी प्रीमियर एपिसोड स्टोरी विथ अरुण पर। अभी आप लोग सुन रहे थे सस्पेंस थ्रिलर और एक्शन से भरा क्राइम फिक्शन उपन्यास ट्रिक। इसी नॉवेल की ये पहली एपिसोड थी। आपको बता दूं इसे आगे की कथानक इसके दूसरे एपिसोड में आप लोग सुनेंगे, जिसे लेकर आऊंगा मैं अरुण गिरी कल की श्रृंखला में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उपन्यास की कथानक और हमारी प्रस्तुति आप लोगों को कैसी लगी। लेकिन जाने से पहले आज का सवाल भी जरूर सुनिएगा। तो चलिए आज का सवाल भी आप लोगों से मैं पूछ लेता हूँ। तो आज का सवाल है कि आज से करीब 2-3 महीने पहले मेरे चैनल पर एक नॉवेल को प्रस्तुत किया गया था, जिस नॉवेल का नाम था आंसू और अंगारे। हालांकि आप में से बहुत सारे श्रोता लोग अभी उस नॉवेल को नहीं सुने होंगे और काफ़ी सारे श्रोता लोग उस नॉवेल को सुन भी लिए होंगे। तो जो भी श्रोता अभी उस नॉवेल को नहीं सुने होंगे तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उस नॉवेल को सुन लीजिएगा। नॉवेल का नाम है आंसू और अंगारे। तो आज का मेरे सवाल ये है कि आंसू और अंगारे उस नॉवेल का ओरिजिनल नाम क्या था और उसके लेखक का नाम क्या था। सवाल एक बार फिर से सुनिए, मेरे इसी चैनल पर प्रसारित किया गया नॉवेल आंसू और अंगारे, उस नॉवेल का ओरिजिनल नाम क्या था और उसके लेखक कौन थे। आशा करूँगा जो भी मेरे नियमित श्रोता होंगे आप लोग इस सवाल का जवाब जरूर देंगे और आप लोग उस नॉवेल को जरूर सुने होंगे। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं सुने हैं तो मेरे इसी चैनल पर उस नॉवेल को अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जरूर सुनिएगा और फिर इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल का जवाब देने वाले श्रोता सबका नाम मैं अगले एपिसोड में जरूर बताऊंगा और उसका लिखित रिप्लाई भी मैं जरूर करूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आशा करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और सवाल जवाब प्रतियोगिता अंतर्गत इस सवाल का जवाब भी आप लोग जरूर देंगे। तो चलिए अब आप लोगों से मैं मिलता हूँ इसी नॉवेल की आगे की कथानक लेकर इसके दूसरे एपिसोड में कल की श्रृंखला में। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। आज के एपिसोड से दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाजत। नमस्कार।